टेस्टी बाइट विद शाजिया खान की तरफ से शाजिया खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ चिकन के शामी कबाब, रेशे वाले चिकन के शामी कबाब हैं। ये आधा किलो चिकन है, सीने का मैंने गोश्त लिया बिल्कुल साफ। ये बड़ी बड़ी बोटियाँ इस तरह ताकि रेशेदार कबाब बने, बड़ी बड़ी बोटियाँ ले ली हैं मैंने। आधा किलो ये है सीने का, और एक पाव चने की दाल है, इसको एक घंटे से भिगो के रखी है मैंने। 3 चमचे लहसुन अदरक है पिसा हुआ, ये साबुत लहसुन की कलियां छिली हुई हैं, एक टुकड़ा अदरक का है, साबुत गरम मसाला है, ये अदरक का टुकड़ा ले लिया है, साबुत गरम मसाला है, नमक हसबे जायका है, 4 से 5 अदरक गोल साबुत मिर्चे हैं, लहसुन अदरक 2 चमचे। ये देखिए हमने एक बर्तन ले लिया है, बर्तन में मैंने ये पानी के साथ दाल मैंने डाल दी है, इसमें शामिल कर दी है। अब हम चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर, जो मैंने आधा किलो सीने के बड़े बड़े पीस लिए हैं चिकन के, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बड़े बड़े पीस लेने से ये मकसद है कि ना रेशेदार कबाब बनेंगे, अच्छे रेशेदार कबाब बनेंगे, ठीक है। अब ये जो मसाले हैं सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब ये लहसुन अदरक भी हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ। ये सब सामान डाल के अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चूल्हे की आंच हमने थोड़ी तेज कर दी है, इसको हम मिक्स करके और ढक्कन ढक के रख देंगे। ये देखिए गाइस, ये पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें ये मसाले जो हैं, अब इसमें ये मसाले उबल चुका है, पानी उबाल आ चुका है, इसमें हम ये प्याज डालेंगे। एक गड्डी हमने बारीक काट ली है, आधा चमच हमने साबुत धनिया और आधा चमच हमने जीरा, ठीक है, और एक अदर ये आलू है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं, और ये आलू भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब ये अच्छी तरह सब गल जाएगा, चिकन दाल आलू, और ये बहुत मज़ेदार कबाब बनते हैं, रेशेदार खूब रेशे वाले कबाब बनेंगे। देखिए गाइस, अब हम लोग चेक करते हैं क्या हाल चाल है, दाल गली नहीं गली, चिकन गली नहीं गली, तो हम लोग देख लेते हैं। दाल हो गई है पर थोड़ी सी कसर है, अभी और होगी, और आलू में और चिकन भी हो चुकी है हमारी। अभी हम इसका पानी खुश कर लेते हैं, अभी इसमें पानी है, इसका पानी भी खुश हो जाएगा और जो थोड़ी बहुत दाल में कसर है वो भी हो जाएगी। दोबारा ढक्कन ढक देते हैं। ये देखिए गाइस, ये दाल बिल्कुल हो गई है, घुट गई है, चम्मच से ही पूरी हो रही है। और ये जो बोटियाँ मैंने डाली थी, ये मैं इसको अलग कर लूँगी क्योंकि ये हड्डी के साथ है, मैं इसका रेशा अलग करके इसमें डालूँगी, हड्डियाँ अलग कर दूँगी, ठीक है, और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, अब ये जो कबाबों का ये दाल है, मैंने रेशा ये अलग कर लिया है, ये देखिए, ये रेशा मैंने अलग, हड्डियाँ अलग कर दी है, रेशा अलग कर लिया है। अब मैं उसको सिल पे थोड़ा थोड़ा पीसूंगी, क्योंकि इतना तो घुट गया, दाल बहुत अच्छी तरह गल गई है, मगर चिकन का रेशा है, आलू है, ये सब मैं सिल पे पीस लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हम लोग सिल पे पीसने से देखिए रेशा बन रहा है, अच्छा खासा रेशा बनता है सिल पे पीसने से। मैं वैसे भी बीफ का शामी कबाब बनाते हैं गाय के गोश्त के, मैं सिल पे पीसती हूँ, कोफ्ते बनाना होता है जब भी मैं सिल पे ही पीसती हूँ, सिल पे पीसने से जायका भी बहुत अच्छा आता है और रेशेदार कबाब बनते हैं, बहुत अच्छे रेशेदार कबाब बनते हैं। अब मैं ये पीस लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने ये मसाला सारा पीस लिया है सिलबट्टे पे, और देखिए इतने रेशेदार है ये, माशाल्लाह देखिए कितना रेशेदार ये हुआ हुआ है, ठीक है, अच्छे हमारे रेशेदार ये कबाब बनेंगे। ये देखें ठीक है। अब मैं इसमें ये मसाला मिलाऊंगी, ये मैंने 3 अदद प्याज की गट्टी ले ली थी, बारीक चॉप कर ली थी, जैसे शामी कबाब में डालते हैं वही सब मसाला है, प्याज, ये हरी मिर्च, पुदीना और ये हरा धनिया, जैसे बीफ के हम शामी कबाब बनाते हैं वैसे ही बनेंगे, पर ये बहुत मज़े के बनते हैं। और ये 1 अदद अंडा मैंने लेके इसको अच्छी तरह फेंट लिया था, मैं आधा डालूंगी,
और अब इसको हम अच्छी तरह से हाथ से इसको मिक्स कर लें। ये देखिए गाइस, मैंने सारा मसाला इसमें मिक्स कर दिया है। इतना अच्छा मसाला मिक्स हो गया है, रेशेदार कबाब बनेंगे। और अब मैं ये कबाब बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी बनाते में। अच्छा, इसके साथ रेशेदार कबाब जो हम बना रहे हैं उसके साथ हम ये चटनी, हरी चटनी, कैरी की चटनी में पीसूंगी, ठीक है। उसमें ये आधी गड्डी हरा धनिया है, आधी गड्डी पुदीना है, एक कैरी है छोटी, नमक हसबे जायका है, ज़ीरा आधी चमची है, और लहसुन 3 जवे लहसुन के हैं। ये कैरी की चटनी बनेगी, मैं पीस के आपको दिखाऊंगी, इसके साथ बहुत मज़े की लगेगी। ये देखिए गाइस, मैंने इस तरह शामी कबाब बना लिए हैं, इतने मैंने इस साइज़ के और इतने मोटे मैंने बनाए हैं। आपको जिस साइज़ के बनाने हैं आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। अब मैं अंडे में डीप करूँगी इसको, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने फ्राई पैन में ऑयल गर्म कर लिया है। वैसे अगर हम चाहें तो ये बगैर अंडे के भी फ्राई हो सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने बगैर अंडे का, कोई अंडा नहीं लगाया, ये बगैर अंडे का भी फ्राई हो जाएगा। मगर अंडे में डिप करके जायका थोड़ा अच्छा लगता है, बच्चे शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए। ये देखिए, बगैर अंडे का फ्राई हो रहा है ये वाला। इसको हल्की आंच पे सेक रहे हैं हम, ज़्यादा हल्की भी नहीं है, दरमियानी आंच है। अब जब यहाँ से सीख जाएंगे तो फिर मैं साइड इसकी पलटी कर दूंगी, साइड चेंज कर दूंगी। देखिए, अब मैं साइड चेंज करती हूँ। ये देखिए गाइस, ये बगैर अंडे वाला कबाब है, तो मैंने अंडा नहीं लगाया है। और ये देख लीजिए, ये देखिए गाइस, ये हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको एक एक करके निकाल लूंगी। मज़ेदार रेशेदार कबाब रेडी हैं, तो ये बगैर अंडे वाला, इसको भी मैं निकाल लूँ। ये देखिए गाइस, ये हमारे शामी कबाब रेडी हैं, चिकन के शामी कबाब, रेशेदार, बिल्कुल रेशे वाले कबाब ये रेडी हैं। और ये बहुत मज़े के यम्मी बनते हैं, और ये मैं आपको दिखाती हूँ कितने रेशे वाले बने हैं कबाब हमारे। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग ये सारा रेशा, ये देखिए, ये देखिए रेशेदार कबाब हैं ये, और ये बहुत मज़े के यम्मी, बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन कीजिए, और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिए। उसके साथ ये कैरी की चटनी है, सलाद है, और ये बहुत मज़ा देगी आप लोगों को, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ईद आ रही है, ईद पर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।